विंध्य क्षेत्र के ये पहली बघेली न्यूज चैनल में हम गणेश तिवारी अपना पंचन का सभाजनन का प्रणाम करी थे। हम पहुंच गए हैं रामपुर नैकिन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां दो लोग कन के इलाज चल रहा है या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। वो दोनों लोगन का हम दिखाई लगे कि एक का नाम है अर्चना जायसवाल, पिता गंगा प्रसाद जायसवाल, सीधी से सतना की ओर एनएम की पेपर देने जा रहे थे जी। और बस के पीछे वाले गेट के पास एक लंबी वाली सीट थी, वहीं खिड़की के पास बैठे थे। मेरे बगल में एक मेरा मकान मालिक डॉक्टर हीरालाल शर्मा थे साथ में। उनका अभी तक पता नहीं है, ये पता चला है कि डेथ हो गया है। नहीं तो ये घटना कैसा है, कैसा शुरुआत में, जैसा कई बजे अपना बस में कई बजे बैठे? सवा पाँच बजे। कहाँ से बैठे? सीधी से। कौन बस रही है, जानकारी है अपना का? नहीं आ के बैठा हुआ है अपना, अकेले जा रहे हैं? नहीं। क्यों रहा साथ में अपना? छोड़ने आए थे वही मकान मालिक के लड़के ही जी, और साथ में मकान मालिक थे वही डॉक्टर हीरालाल शर्मा। उनके साथ में थी आप? और ये बताइए कि मतलब ये घटना भय कैसा, कब ऐसा जनान अपना का कि नहीं ऐसा हो लगी गाड़ी अनियंत्रित भय का? बस तेज रफ्तार में चल रही थी जी, और जिधर ड्राइवर बैठा था उधर बस सीधे पलट गया नहर में। इसके बाद क्या हुआ नहीं पता सर। नहीं तो अपना बाहर कैसा निकले, कैसा नहीं पता। याद ही नहीं है अपना का, वो दूसर निकाले सपना का याद है? ये जो आए थे यहाँ लेके हॉस्पिटल में, वो बोले कि आपका स्वेटर दिख रहा था तो वहीं पानी में तैर के फिर निकाले हैं बाहर, फिर वहाँ से लेके आए हॉस्पिटल, फिर नहीं जानते सर क्या हुआ। चलिए या अपना हमारे साथ रही जिनके द्वारा यह पूरी घटनाक्रम के बारे में बताबा जा लग है, वो कहा यह जा लग है कि जो है उनका यह तक नहीं पता है कि हम का यहाँ को ले आई, मतलब उनका यह मालूम है कि सोनू कुशवाहा है जो आपको यहाँ लाया। हाँ, जहाँ पे बस मतलब नहर में पलटा था ना, वहीं के हैं वो, सोनू कुशवाहा उनका नाम है। हाँ, वहीं पर घर ही है। चलिए एक बेहद बड़ी बात की एक जान बच गए, किंतु इतनी जान चली गए। अब हमरे लगे एक जने साथ में, का नाम है अपना? विभा प्रजापति। कहाँ जा रहे हैं? मैं सीधी सतना के लिए पेपर देने जा रहे थे। नर्सिंग वाला पेपर दे जा रहे? एनएम का पेपर था। एनएम का पेपर रहा, कै बजे निकले रहे? हम घर से 4:30 बजे निकले थे। सीधी बस में कै बजे बैठ गए? बस में हम 4:40 4:30 में ऐसे बैठ गए थे। पेपर कै बजे रहा? पेपर 2 बजे से था, रिपोर्टिंग टाइम सतना में 12 बजे था। तो ये बताइए कैसा घटना घटी है, कुछ याद है अपना? बस छुया घाटी तेज रफ्तार में थी, कोई मतलब न बस एंकी न बैंकी, डायरेक्ट जाके उसी में ढसर गई, बस ढोस दिया, ड्राइवर अपनी जान बचा के भाग गया। और नहीं तो अपना का ध्यान है कि यह बस कैसा बहुत तेज रही रफ्तार में का रही? हाँ, बस की रफ्तार बहुत तेज थी, मैं सोची शायद उसमें बहुत 30-35 स्टूडेंट थे, मैं सोची शायद पेपर इसलिए जल्दी ले जा रहा, रोज ले जाता है तो उसको एक्सपीरियंस होगी, मुझे नहीं पता था कि ये क्या हो। तो फिर अपना निकले कैसा, पानी में कैसा पहुँचे, कैसा निकले? मेरे साथ में मेरा भाई था, 20 साल का था, इस साल उसका फाइनल मैथ्स BSc कंप्लीट हो चुका था, मेरा पेपर दिलाने जा रहा था साथ में, 20 साल का था, मैं 21 साल के हूँ। मैं अपने भाई को भी बचाने की कोशिश की साथ में, मैं अपने भाई का हाथ पकड़ी थी, लेकिन पता नहीं कहाँ मेरा भाई खो गया और मैं कैसे बाहर आ गई, मुझे नहीं पता। अपना शीशा वगैरह तोड़े लोग हल्ला गुहार मचाई हूँ। मैं बस जैसे ही पानी मतलब गिरी है उसमें अंदर एकदम पूरी तरह से बस में पानी भर गया है, तो मैं टच का फ़ोन रखी थी बड़ा वाला, मैं उससे शीशा तोड़ने की कोशिश की लेकिन उससे शीशा नहीं टूटा, मैं नहीं पता मेरे भाई कहाँ खो गया, मेरा भाई अभी तक नहीं मिला है। तो अपना कैसा निकले फिर, वह शीशा तोड़ के निकले कैसा निकले? मुझे नहीं पता मैं कैसे निकली हूँ, मैं बह गई थी, मुझे कुछ लोग वहीं पर बाहर निकाला है, मुझे नहीं पता। इस तौर पर यह बेहद दुखद घटनाक्रम है, जब एक परिवार में यह में घटना हो थी तो वह इंसान का खत्म कर दे थी, इंसान का अंदर से तोड़ दे थी। और यह में घटनाक्रम भा है कि आज बिटिया तो हैं किंतु उनका भाई नहीं आई,
और यह घटनाक्रम सुन के हमार अपना के अंतर आत्मा जो है झकझोर देती एक दूसरे का कि आखिर ऐसा घटनाक्रम घटा का है। सवाल बहुत सारे हैं किंतु अबे सवाल जवाब के वक्त नहीं, अबे वक्त है इनके जख्म मरहम बने के। इनका वह व्यवस्था सरकार मुहैया करावे कि ई अपने जीवन का अब आगे जो है चलायमान कह सके। आपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।